नमस्कार, उपस्थित हूँ मैं आपके उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए उत्तर लेकर। अंग्रेजी कैलेंडर की तरह ही एक हिंदी पंचांग होता है, बस उससे थोड़ा ज़्यादा वैज्ञानिक। इसी हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। इस हिंदू कैलेंडर के एक महीने में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं, जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के क्रम पर आधारित हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के काल को कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या से लेकर अगली पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है, और हर माह का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से ही होता है। श्राद्ध या पितृकृत्य की महत्ता का वर्णन अनेकों शास्त्रों जैसे महाभारत, रामायण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुण पुराण आदि में वर्णित है, और इन शास्त्रों में तीन प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। इसी पितृऋण से जुड़ा है पितृपक्ष। तो आज बात करते हैं पितृऋण की। सवाल उठता है कि पितृ कहा किसे जाता है, ये क्या होता है पितृ? आम बोलचाल की भाषा में इनको पितर भी कहा जाता है। पितर अर्थात दिवंगत पूर्वज अथवा स्वर्गीय स्वजन। अब जानते हैं कि पितृऋण क्या होता है और इस ऋण से मुक्ति कैसे होती है। तो पितृऋण का मतलब होता है आपके पूर्वजों का ऋण, यानी जीवन को संभव बनाने मात्र में भी आपके पूर्वजों का योगदान है, तो इसे ऋण भी माना जा सकता है। और इस ऋण से मुक्ति के लिए पितृकृत्य यानी श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ये तीन प्रकार के कर्म हैं उपरोक्त शास्त्रों में, जो इसी पितृपक्ष में करने होते हैं, जिसमें श्राद्ध का मतलब होता है अपने दिवंगत पूर्वजों और स्वजनों का श्रद्धापूर्वक ध्यान, पूजन, आह्वान। पिंडदान का अर्थ है पिंड यानी भोजन सामग्री, मतलब दिवंगत और स्वर्गीय जनों को भोजन अर्पण करना, और इस अर्पण को कव्य भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, देवों को अर्पण करने वाले भोग को हव्य कहते हैं, वहीं पितरों को अर्पित करने वाले भोज्य पदार्थों को कव्य कहते हैं। और अंतिम भाव तर्पण, इसका आशय जलांजलि से है, अर्थात पितरों को जल अर्पण करना। अब प्रश्न उठता है कि इस संस्कार की शुरुआत कैसे हुई, या सबसे पहले इसका उपदेश किसने किया? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं महाभारत जैसे महाकाव्य में भगवान नारायण का उल्लेख आया है। श्री कृष्ण अर्थात स्वयं भगवान नारायण ने गंधमाधन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम में पितृकृत्य करना आरंभ कर दिया। गंधमाधन पर्वत वह पर्वत है जिसके शिखर पर स्वयं भगवान बद्री नारायण विराजमान है। भगवान को श्राद्ध कर्म करते देख देवर्षि नारद को बड़ा कौतूहल हुआ और वे वहां पहुंच गए। नारद जी ने प्रश्न किया और पूछा कृष्ण से कि आप ही किसकी पूजा कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो भगवान ने कहा, मुनिवर, मैं पितृकृत्य कर रहा हूं। नारद जी ने फिर पूछा, आपके पूर्वज कौन है और आपका गोत्र क्या है? तो भगवान श्री हरि ने नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं ही स्वयं का पितामह, मातामह, परम पितामह, परम मातामह, वृद्ध पितामह, वृद्ध मातामह हूं, अर्थात मैं ही स्वयं का पूर्वज हूं और मेरा गोत्र है अच्युत, और सभी प्राणियों का अंततः यही गोत्र होता है, अर्थात सभी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और सभी मुझ में विलीन हो जाएंगे। आपने सुना भी होगा, सब जन्म मुझे से पाते हैं, सब लौट मुझे में आते हैं। महाभारत में इससे जुड़ी एक और कथा मिलती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कर्ण को स्वर्ग प्राप्त हुआ और वहां उनको स्वर्ण का भोजन दिया गया। तब उन्होंने प्रश्न किया, क्या ये भोजन के योग्य वस्तु है? यदि नहीं तो फिर मुझे ये क्यों दिया जा रहा है? तो उनसे कहा गया, आपने कभी अन्नदान और जलदान नहीं दिया, आपने केवल स्वर्णदान दिया है, इसलिए आपको वही मिल रहा है। इसके लिए कर्ण को पितृपक्ष के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया था, ताकि वो अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकें, और महाभारत में इसका वर्णन भी है। एक और कथा है जहां भस्मासुर के वंश में गयासुर नामक राक्षस ने
कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी की और उनसे वरदान मांगा। उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और सभी देव दानव उसके दर्शन से पाप मुक्त हो जाएं। इस तरह सभी पाप कर्म करते और उसके दर्शन पाकर पाप से मुक्त भी हो जाते। इस तरह वहाँ अधर्मियों की संख्या बढ़ने लगी। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ का आयोजन किया और गयासुर से यज्ञ के लिए किसी पवित्र स्थान की मांग की। तब गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। लेकिन गयासुर ने देवताओं से वरदान मांगा कि यज्ञ और यह स्थान लोगों को तारने वाला रहे। यही स्थान आगे चलकर तीर्थ बन गया और तभी से ये माना जाता है कि जिनके लिए भी यहाँ जाकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोग अपने पितरों को तारने, उनके मोक्ष की कामना से पिंडदान के लिए गया जी जाते हैं। खगोल ज्योतिष के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा की ऊपरी कक्षा में ही पितृलोक स्थित है। सामान्य भाषा में इसे चंद्रलोक कहते हैं। इस दिशा को यम की दिशा भी माना जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में भी इसका एक उल्लेख मिलता है। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो उसी क्षण भगवान राम ने अपनी तंद्रा में उन्हें दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। ये मात्र संयोग नहीं था किंतु सत्य था। अब प्रश्न आता है कि कैसे पाएंगे इस ऋण से, पितृ ऋण से हम मुक्ति। शास्त्रों में इनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय दिए हैं, कुछ तरीके और कुछ विधि कही गई है। श्राद्ध कर्म करने से पहले कुशा को अनामिका उंगली में धारण करें। कुशा को पावित्री कहा जाता है और सिर्फ श्राद्ध कर्म में नहीं, अन्य सभी कर्म कांडों में कुशा को अनामिका में धारण करते हैं। इसे पहनने से हम पूजन कर्म के लिए पवित्र हो जाते हैं। अब हम मंत्र जप करेंगे। ओम आगच्छन्तु मम पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे पितरों पधारिए और जलांजलि ग्रहण कीजिए। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का ध्यान करेंगे। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी पुलत्स, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, कृतु, महर्षि कश्यप, ये सात ऋषि महान योगेश्वर और पितर माने गए हैं। अब बात करते हैं कब करें पितृकृत्य। तो कुपित काल में किया गया श्राद्ध कर्म शुभ और फलदायी माना जाता है। इस समय में किए गए श्राद्ध कर्म से पितर तृप्त होते हैं। माना जाता है कि कुतप काल में पितरों का मुख पश्चिम की ओर हो जाता है, जिससे पितर अपने वंशजों द्वारा श्राद्ध से भोग लगाए गए कपिल को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। एक सवाल और आता है कि चावल के पिंडे क्यों बनाए जाते हैं। तो चावल को अक्षत कहते हैं, यानी जो खंडित ना हो। चावल ठंडी तासीर वाला भोजन होता है और पितरों को इससे शांति मिलती है। एक लंबे समय तक वो इन पिंडों से संतुष्टि पा सकें, इसके लिए पिंड चावल के आटे के बनाए जाते हैं। क्यों देते हैं कौवे, कुत्ते और गौ माता को पिंडों का भाग? तो गरुण पुराण के अनुसार कौए को यमराज का संदेश वाहक माना गया है। यमराज के पास दो श्वान हैं, यानी कुत्ते, जिनको उनका सुरक्षा कर्मी कहा जाता है। इसी की वजह से कौए और कुत्ते को भोजन दिया जाता है। और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, अर्थात 33 कोटि के देवतागण। कोटि अर्थात प्रकार। इसी कारण से गाय को भी भोजन दिया जाता है, जिसे गौग्रास भी कहते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न, किससे करवाएं कर्मकांड अथवा पांडित्य कर्म, अथवा किसको करावें पितृभोज? तो केवल सुपात्र को ही करावें पितृभोज। सुपात्र मतलब कर्मकांडी ब्राह्मण, जो सभी धार्मिक कृत्यों को पूरे नियम, सम्मान और भक्ति भाव से करता हो। स्वयं का पुत्र भी यदि सुपात्र हो तो उससे भी करा सकते हैं पितृकृत्य, अथवा संकल्प लेकर स्वयं करें पितृभोज ग्रहण आदि। आप सुपात्र हैं तब तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। इसका भी विधान है गरुड़ पुराण में।
आप एक दिन पूर्व ही दे दें सुपात्र ब्राह्मण को आमंत्रण और उस रात्रि आमंत्रित ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा, क्योंकि इससे वो अगले दिन पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट होकर भोजन करेगा और यही नियम ही है। ब्राह्मण की प्रसन्नता और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उसको विदा करें और अंत में अपने पितरों से करबद्ध प्रार्थना करें कि हे मेरे पितरों, आप मेरे द्वारा अर्पण भोजन जल प्रणाम स्वीकार करें और हमारी ओर से सदैव संतुष्ट रहें। इस विषय में बस इतना ही। जय श्री राम।